वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी अल्फाबेटिकल सीरीज चल, तो आज बारी है लेटर के की, के फॉर कालका जी मंदिर। जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा वे है जो कालका जी की तरफ जाता है, तो मैं इसकी तरफ निकल चुका हूँ। कालका जी आने जो भी डिटेल्स होती हैं, कैसे आना है, कहाँ आना है, किस टाइम पे आना है, मैं सारी डिटेल आपको इस ब्लॉग में प्रोवाइड करवाऊंगा, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो चलते हैं फिर कालका जी मंदिर के अंदर प्रस्थान करने। तो कालका जी जाने के लिए आपको गेट नंबर 1 से एग्जिट करना पड़ेगा और लोटस टेम्पल के लिए गेट नंबर 2 से। कालका जी मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से एग्जिट लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस साइड जाना पड़ेगा। दोस्तों वहाँ से मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद आपको इस वे से यहाँ सीधा जाना पड़ेगा। दोस्तों ये मेन गेट आपको दिख जाएगा आगे आने के बाद, उसके बाद आपको अंदर जाके जूते वगैरह निकालने पड़ जाएंगे और जूते वगैरह आप जमा कर। तो दोस्तों वो है आपका जूता घर, वहाँ से आप उल्टे हाथ पे आपको ये गेट मिल जाएगा, बाबा बालकनाथ मठ। यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे लेडीज और जेंट्स कोई भी जा सकता है, मतलब एक ही वॉशरूम है। दोस्तों आपको यहाँ पे फ्री जूता सेवा मिल जाएगी, वहाँ पे आप जमा करोगे, उसके बाद आपको ये टोकन प्रोवाइड हो जाएंगे। जब आप वापसी दर्शन करने के बाद आओगे तो आपको यहीं से जूते कलेक्ट कर लेने। तो चलते हैं फिर अंदर दर्शन करने के लिए काली माता के। तो एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड पे मिल जाएंगे भैरव बाबा की मूर्ति देखने को मिल जाएगी आपको, आप लोग देख सकते हो ये भैरव बाबा है। उसके बाद आप मंदिर के प्रांगण में प्रस्थान कर सकते हो और आपको आगे की चीजें दिखाई देंगी। दोस्तों ये है मंदिर भगवान श्री पशुनाथ जी, यहाँ से आपको एंट्री लेनी पड़ेगी और काली माता का जो मंदिर है वो मेन मंदिर बिल्कुल ही अंदर पड़ जाता है सेंटर में। तो दोस्तों उस वे से जब आप बाहर आओगे तो यहाँ से आपको राइट हैंड पे एक वे मिल जाएगा, इसके अंदर जाओगे तो आपके सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो, मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेके भी आप आगे जा सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। कालका जी मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो देवी काली को समर्पित है। यहाँ आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कालका जी है और नियरेस्ट बस स्टैंड नेहरू प्लेस है। मंदिर खुलने का समय सुबह के 5 बजे से रात के 10 बजे तक है। 11:30 बजे से 12 बजे तक के बीच में मंदिर बंद रहता है माता को प्रसाद का भोग लगाने के लिए। कालका जी मंदिर का इतिहास सतयुग से जुड़ा हुआ है। देवी काली ने रक्त बीज का वध करने के लिए इस स्थान पर अवतार लिया था। रक्तबीज के वध के बाद देवी काली ने यहीं पर एक मंदिर बनवाया था। मुगल काल में कालका जी मंदिर को कई बार नष्ट किया गया था, लेकिन हर बार इसे फिर से बनवाया गया था। 1764 में मराठा शासक कालका जी केदारनाथ महादेव ने वर्तमान मंदिर की संरचना की थी। आज़ादी के बाद कालका जी मंदिर को जीवंत किया गया था और इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाया गया था। आज के समय में कालका जी मंदिर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। यह मंदिर दिल्ली की एक महत्वपूर्ण पहचान है और शांति का प्रतीक है। मंदिर की बाहरी दीवारें लाल और सफेद रंग की हैं, जिसमें एक बड़ी गुंबद और एक ऊंची मीनार है। गर्भगृह में देवी काली की पूज्य मूर्ति है जो की खूबसूरत मूर्ति और नक्काशियों से घिरी हुई है। मंदिर में आने के कुल 4 द्वार है और हर द्वार पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है और हर गेट से आगे चलने पर आपको जूते जमा करवाने होते हैं। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आपको निशुल्क जूता सेवा मिलेगी। बाकी गेटों पर 5 रुपए प्रति जोड़ा देना होगा। मंदिर में नवरात्रि सहित विभिन्न त्योहारों का जश्न मनाया जाता है। देवी काली की पूजा करने के लिए भक्तजन मंदिर में आते हैं लाखों की संख्या में। नवरात्रि के समय इस मंदिर में बहुत ही ज्यादा पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है। मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं को समर्पित कई छोटे मंदिर हैं। दोस्तों बारिश बहुत तेज हो रही है इस समय, आप देख सकते हो चारों तरफ बारिश हो रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है यहाँ पे। दोस्तों ये मेट्रो के भी पार्किंग में आप पार कर सकते हो कालका जी आने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे और भी मजेदार वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो मिलता हूँ इसी के साथ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।